जिस गांव में होली गाया जा रहा है, फगुआ गाया जा रहा है, उसको फगुआ बोलते हैं। लोग बैठे हुए हैं, मंडली बैठे हुए यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि फगुआ कैसे होता है गाँव में, होली कैसे गाई जाती है। बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही आनंद आता है उसमें बैठकर साथ में, उसके साथ साथ गाने में और झाल बजाने में। खासकर ढोल, ढोलक और झाल और तरसे का खेल है सब। और ये गाने वाले आप देख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको। और बजा रहा है, बजा रहा है। कहाँ से आ रहा है? पटना से चल के आ रहे हैं। पटना से? अच्छा, ये पटना से आ रहे हैं चल के, मतलब आप पटना से आ रहे हैं इधर होली गाने के लिए आज? वाह, अच्छा आप इलाहाबाद जा रहे हैं? आई एम कम टू पटना। अच्छा, अरे कम टू पटना और गोइंग टू इलाहाबाद। फ्रॉम पटना और गोइंग टू इलाहाबाद। बोलिए। नहीं इधर से नहीं, इधर दिखाई नहीं दे रहा, इधर से। मारिन दी लाठी तो फुटिन दी हेड, रहिए रहिए गोइंग टू द होम, ब्रिंगिंग द रूपिंग एंड प्रीसेज, गोइंग टू कचहरी करिंग द केस, कॉमिंग द पुलिस दरोगा एंड थूसिंग द जेल। तो आपने देखा कि कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, ये गांव के इंग्लिश है और बहुत ही जबरदस्त है। मतलब गाने बजाने के बीच बीच में ये मस्तियां भी होती रहती है और बहुत ही मतलब मजाक मस्ती करते हैं ये लोग। बहुत ही प्यारे लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको, और सभी लोग बहुत प्यारे हैं। और इनके मुस्कान देखिए, देखिए वहाँ पर जो तो यानी शुरुआत हो रही है, शुरुआत होली के भी मतलब गाने की शुरुआत हो रही है। फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जोश में आते जाएंगे, और पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ लोग आते हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही जोश आते हैं, आप देखते रहिए इस तरह से गाँव में जाते हैं, बहुत ही सुंदर होता है। पूरे जोश पर है, पूरे जोश खरोट पर है ये लोग, अभी जोश के साथ अभी गाना शुरू किए हैं। ये अभी आधा है, अभी 50% है, इससे भी ज्यादा जोश आपको देखने को मिलेगा। फूफा जी है ये सारे गांव के फूफा है, बच्चे से बूढ़े तक के इनको फूफा कहते हैं, आप भी कह सकते हैं इनको फूफा। बहुत ही प्यारे हैं ये, आप चाहे कुछ भी कीजिएगा, इनको कुछ करने वाले नहीं है। हाँ फूफा जी, फूफा जी, ये क्या क्या खा रहे हैं आप? प्रसाद है, बोलिए। प्रसाद है, बोलिए। प्रसाद है, कौन सा प्रसाद है? इधर देखिए, आपको सारे गांव के लोग फूफा जी कहते हैं, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है। हाँ ठीक लगता है, ठीक लगता है। मतलब सुनने में आता है कि आपके साथ कुछ भी कर देते हैं आप बुरा नहीं मानते? गलत बात बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं। Thank you.
ऐसा सुनने में आता है कि ये गांव के बहुत ही मतलब होनहार गायक है, लेकिन शर्म इतनी आती है कि वो गा नहीं पाते। बहुत टैलेंटेड है, इसके कैसे बजा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अरे हर व्यक्ति के हाँ देखिए ये है, देखिए ये तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मस्ती हो रही है यहाँ पर, बहुत ही इंटरटेनमेंट हो रहा है और सब लोग बहुत मजे से गाते हैं या और त्यौहार मनाते हैं। हालांकि होली अभी चार दिन बाकी है, लेकिन होली का रंग अभी से चढ़ गया इन पे, तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, और भी जोश आएंगे। Thank you.